मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के रेलवे स्टेशन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जीआरपी और विदिशा वेलफेयर सोशल ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने मिलकर बाल मजदूरी कराने के लिए ले जा रहे 10 बच्चों को रेस्क्यू किया है। साथ ही पुलिस ने ठेकेदार को गिरफ्तार भी कर लिया है। ठेकेदार सभी बच्चों को बिहार से अहमदाबाद ले जा रहा था, उससे पहले ही मामले का खुलासा हो गया और पुलिस ने सभी बच्चों को बचा लिया। वेलफेयर सोशल ऑर्गेनाइजेशन की कर्मचारी दीपा शर्मा ने बताया कि उन्हें गंजबा सौदा की सीआरपी टीम द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति कुछ बच्चों को ट्रेन की सहायता से बाल मजदूरी करने के लिए बिहार ले जा रहा है। हमने मामले को तुरंत संज्ञान में लेकर विदिशा की टीम और जीआरपी की सहायता से अहमदाबाद एक्सप्रेस से ठेकेदार को गिरफ्तार किया है। आपका नाम बताएं और क्या पूरा ये घटनाक्रम हुआ है? सर, मेरा नाम दीपा शर्मा है, मैं एक्सेस टू जस्टिस स्पेस टीम में कार्यरत हूँ। आज आरपीएफ थाना गंज बासुदा की सूचना मिली कि कुछ संदिग्ध बच्चों के जो मिले हैं जो गंज बासुदा ट्रेन से अहमदाबाद के लिए जा रहे थे, तभी हमारी टीम को सूचना प्राप्त हुई। हमारी टीम तुरंत मौके पर आरपीएफ थाने आई, जहां बच्चों से काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के दौरान बच्चों से बातचीत की गई, तब उनके द्वारा बताया गया कि उनको बाल मजदूरी के लिए बिहार से अहमदाबाद लेकर जा रहे थे। कुछ कंपनियां जैसे टाइल्स की कंपनी हुई, वाइल्डिंग कंपनी हुई, जो कि हजार्डेड है और बच्चे 14 साल से छोटे हैं। बच्चों को लेकर कहां से कहां जा रहे थे? सर, ये लोग बिहार का है, वहां से मिले तो गुजरात जा रहे हैं। कुछ बोले थे सर, पकड़ लिया, बस लेके जा रहा है, बोले थे। बच्चे की उम्र जो है बताइए।